दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट वर्क स्पेस के बारे में, तो आइए जानते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये क्लिप मैंने इंपोर्ट कर ली थी पहले ही, ताकि मैं आपको समझा सकूँ और बता सकूँ कि एडजस्टमेंट वर्क स्पेस क्या होता है। दोस्तों एडजस्टमेंट वर्क स्पेस ये होता है कि आपके पास में जो यहाँ पर ये बीच में ये सेंटर पॉइंट पर ये चीज़ें होती हैं, ये वाली पॉइंट, आपका इधर ये वाला पॉइंट होता है और ये आपका टाइमलाइन पे भी ये पॉइंट होता है। तो इसको क्या करते हैं हमारा किसी का मतलब कि अगर यहाँ से इस पॉइंट से जाके ये जगह पे आपको टाइमलाइन को एडजस्ट करना है इस टाइप से। मान लीजिए आप बड़ी टाइमलाइन पे काम करना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस टाइप से करना पड़ेगा इसको ऐसे करके। आपके टूल्स भी एक प्रकार से लेंथ में चले जाएंगे। ये देखिए पहले आपके टूल्स इस टाइप से, अगर आपकी टाइमलाइन होती है तो इस टाइप से आपके टूल नज़र आएंगे यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे इसको दबा देते हैं, यानी कि खींच देते हैं, है ना। इस टाइप से यहाँ पे भी आपका जो ना ये पॉइंट आता है, ये आपका प्रीव्यू विंडो होता है। यहाँ से आप इन आउट लगा कर टाइमलाइन पे अपनी वीडियो को ड्रैग कर पाते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा अगले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल एडजस्टमेंट वर्क स्पेस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको करते हैं, इस पॉइंट पे आपने लगाना है पॉइंट यहाँ पे, और इसको हमने ऐसे नीचे कर देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप बड़ा देखना चाहते हैं, यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे हम इस टाइप से। और सपोज कीजिए आपको अपनी मेन विंडो जो है सोर्स मॉनिटर, ये आपका सोर्स मॉनिटर होता है, है ना, और ये आपका प्रीव्यू, आपका प्रोग्राम जो मेन मॉनिटर होता है वो यहाँ पे आप देखते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी छोटा कर सकते हैं इस टाइप से, ये देखिए ये आ गया, है ना। और यहाँ पे जो आपका कई बार होता है कि जो ना लर्निंग मोड में आप काम करना चाहते हैं, ये आपका लर्निंग मोड होता है हमेशा। ये चीज़ 2021 में अभी नई आई हैं। और यहाँ पर हम जाते हैं, ये देखिए ये असेंबली मोड है आपका, ये यहाँ पे आपका एडिटिंग का आ गया, ये आपका कलर आ गया है, और ये आपका इफेक्ट, ग्राफिक, कैप्शन और लाइब्रेरीज आ गए हैं इस टाइप से, है ना। आप चाहें तो जो ना कई चीज़ों को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका इफेक्ट कंट्रोल हमेशा यहाँ पर रहता है, ये आपका इफेक्ट कंट्रोल रहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको किसी भी आपको क्लोज पैनल अगर आपको बंद करने हैं तो यहाँ से आप कुछ भी करें, यहाँ से क्लोज पैनल को आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जाना है इस पॉइंट पे और यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लोज पैनल ऑफ कर देना है। ये देखिए ये आपका क्लोज पैनल बिल्कुल ऑफ हो गया है ना। यहाँ से हम जाके आप इसको अपना एडजस्टमेंट वर्क स्पेस को हम थोड़ा सा अपने इसको यहाँ से इस टाइप से कर देते हैं, ताकि हमारे को वीडियो क्लिप जो हम इम्पोर्ट करते हैं, है ना, वो हमें प्रॉपरली वे में शो करती रहे। तो एडजस्टमेंट वे आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट वर्क स्पेस किसको कहते हैं। यहाँ से सिर्फ ये होता है कि एक इजी वे में हम अपना काम कर सकते हैं दोस्तों, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये टाइमलाइन का जो पोर्शन होता है, इस टाइप से भी हम कई लोग काम करते हैं ये ऐसे, तो इसको हम खींच के ये इस टाइप से इससे आप लोग काम कर सकते हो। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा और कई चीजों के बारे में, सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।